नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तेघड़ा विधानसभा के भावी प्रत्याशी एवं समाज सेवी जिन्होंने के सुधा सिंह जी हैं। सुधा सिंह जी ने अपना पूरा राजनीतिक कैरियर यूं कहें राजद को निछावर कर दिया। 1995 से राजद की सक्रिय सदस्य रही हैं, समाज सेवी के तौर पर तेघड़ा में जानी जाती हैं और अच्छा खासा तेघड़ा विधानसभा में इनका प्रभाव है। हर जाति के वोटरों में इनका प्रभाव है, हर लोगों के बीच मिलनसार हैं, हर सुख दुख में उनके साथ रहती हैं। तो उन्हीं से जानेंगे, सुधा सिंह से, इन्होंने समाज सेवा में अपना दिल कैसे लगाया और कैसे समाज सेवा के क्षेत्र में आने की दिलचस्पी जगी। मेरे पापा रेलवे में ड्राइवर थे, हम पॉलिटिक्स फैमिली से नहीं थे, लेकिन ससुराल गए तो मेरे हस्बैंड जेपी आंदोलनकारी हैं, अशोक कुमार मुन्ना जी, जो इस बार कैंडिडेट के लिए वो भी अप्लाई किए थे, लेकिन वो हमसे सीनियर लीडर हैं, उनको आज तक राजद में कहीं सम्मान नहीं मिला, इस बात की हमें दुख थी। इस बार दोनों आदमी अप्लाई किए हूँ और वो ही हमको राजनीति में कदम रखवाए, आज जहाँ भी हैं उनके वजह से हैं, हमारे राजनीति कैरियर उन्हीं से है और वही हमको क्षेत्र में काम करना, किसी को मदद करना, पार्टी के लिए क्षेत्र में काम करना, पार्टी का जो आदेश मिला आज तक जिला से लेके प्रखंड से पंचायत तक उनका पालन करना, उनका पालन आदेश का पालन करना, ये आपने हर समय। आरजेडी में किन किन पदों पर रही हैं आप? जी, जिला पहले तो जब 1995 में हम पार्टी ज्वाइन किए थे तो उसमें तत्काल हमको जिला का महासचिव बनाया गया था। अच्छा, वो अजीत गुप्ता रहे जिला अध्यक्ष, भोला सिंह जो भाजपा में थे सांसद बेगूसराय के, वो डेट कर गए, वो भी हमको जिला में महासचिव बना के रखे। उसके बाद फिर हमें बरौनी का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। हम नाना करते रहे कि हम, मेरे हस्बैंड का भी इतनी लंबी राजनीतिक कैरियर है जिसमें कुछ प्रदेश का स्थान हमको दे, क्या जिला का हमको दे रहे, लेकिन फिर भी देते गए और हम ना नहीं कहे और क्षेत्र का काम अपना मन तन मन लगा करके करते गए। लेकिन जब फिर प्रखंड के बाद हमको नगर अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि नगर परिषद की बेटी और बहू दोनों हैं हम। अच्छा। तो नगर का दिया गया, तो नगर के देने के बाद हमको लगा कि अब हम बच्चे रहे नहीं, राजनीतिक कैरियर मेरा 26 साल है तो ये छोटी मोटी पद की तो नए कार्यकर्ताओं के लिए है। और 1995 में हम पहले बरौनी विधानसभा हुआ करती थी। अच्छा, बरौनी जी। तो 1995 में निर्दलीय हम चुनाव लड़ गए थे। अच्छा, 1995 में जी। अच्छा। जिसमें चक्कर छाप चुनाव चिन्ह था। बिल्कुल बिल्कुल, जनता दल का। और वहाँ सीपीआई के उम्मीदवार लालू जी राजेंद्र सिंह को सपोर्ट किए हुए थे, टिकट दी, हाँ, गठबंधन की थी। कितना वोट आया था आपको? जी, बहुत वोट आया। जब उनको हम सपोर्ट किए ना तो 36,000 वोट से आगे जीते थे। 1995 के बाद कभी चुनाव मैदान में? 1995 के बाद फिर लालू जी जब हमको मधुबनी के विधानसभा क्षेत्र में बेगूसराय जब मिले उनसे हम, तो बोले कि चलिए आप उसकी घोषणा कर दीजिए, उसके प्यार वहाँ से हार जाएगा, अगले चुनाव में आपको हम लड़ाएंगे, इतना बोले। उनकी बात को स्वीकार किए और हम बरौनी के सभा में मंच पे चढ़ के अचानक भाषण दिए, कोई समझ नहीं पाया कि महिला है कहाँ, उसमें लोग बहुत कम उनको पहचानता था, नई पार्टी ज्वाइन किए थे 1995 में। सभा में भाषण दिए तब से लालू जी हमको मानने लगे, जब कुछ कहने आते थे तब मिलते, मन में बात को सुनते थे। लालू जी रेल मंत्री बने तो उसमें भी हम, लालू जी का गढ़हरा रेलवे इंटर कॉलेज है, गढ़हरा केंद्रीय विद्यालय है रेलवे क्वार्टर कॉलोनी में, वहीं हम ऐसे बरौनी के लिए उनकी सभा की तैयारी हो रही थी, स्टेज बन रहा था, लेकिन हम तत्काल, बहुत बारिश थी वहाँ, पानी लगा हुआ था, हम लालू जी के पास आए और बोले जैसे ही बोले कि सुधा सिंह आई है, राम कृपाल जी बगल में बैठे हुए थे, राम कृपाल जी साथ में थे, साथ में बैठे हुए थे, तो बोले कि सुधा सिंह आई है, पूछिए क्या काम है। तो बोले कि सर हम तो आए थे कि गढ़हरा इंटर कॉलेज में प्रोग्राम हो, अच्छा प्रोग्राम हो पाएगा, अब बरौनी आप रख दिए थे, आप नहीं चाहती हैं? बोले जी नहीं, हम तो चाहते हैं गढ़हरा इंटर कॉलेज में प्रोग्राम हो, हम वहाँ की तैयारी में। बोले ठीक है, चलिए हम आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे गाड़ी का ड्राइवर था, कोई भरोसा नहीं कर पाए, जो हम बोले अकेले अंदर गए थे, कोई बोले नहीं भरोसा किए। हम बोले चलिए, लालू जी बोल दिए कि जाइए मैडम तैयारी कीजिए, हम वहीं आएंगे। कल होकर राम कृपाल जी को भेज दिए निरीक्षण करने के लिए। हम तब तक रात में ही पूरा कंप्लीट मैदान को करवा दिए थे,
हमारा बीहट गाँव ठेकेदार का गांव है, सब आदेश दिए, वहाँ काम चल रहा था, अचानक एक सौ लेबर लगा के एकदम कम्प्लीट कर दिया। वहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा सभा हम कराए अपनी खर्चा से। लालू जी आपको मानते हैं? जी, लालू जी हमको बात मानते हैं, बहुत अच्छी। टिकट नहीं दिया ना कभी? टिकट 15 में, तब उसके बाद तो सीपीएम और सीपीआई का गठबंधन, गठबंधन में लालू जी कहते रहे दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपका सीट अलायंस में चला गया, क्या करें, मानता नहीं है, इतना कहे, फिर निराश होकर हम बैठ जाते थे, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, हम एकदम इस बार लगे रहे। 15 में एकदम कन्फर्म टिकट हमारा कर दिए, गए मिलने उनसे, हम अप्लाई नहीं किए कि पता नहीं ये गठबंधन बार बार सीट दे देंगे क्या, हम इस पर दुख प्रकट करेंगे, हम ना अप्लाई नहीं करें। हम गए जैसे उनको ऐसे हाँ जोड़े तैसे ही कहते हैं कि अप्लाई किए, जी नहीं, जाइए पहले पार्टी कार्यालय में अप्लाई कीजिए आप जाके। बहुत लोग सुने, जयप्रकाश नारायण जी और बगल में बैठे हुए थे उनके, बोले जाइए अप्लाई कीजिए, हम अब जाके अप्लाई किए, कल होके हम अप्लाई पटना ठहर गए और कल होके हम अप्लाई किए, अप्लाई किए तो उसके बाद एकदम टिकट मेरा कन्फर्म कर दिए। और हम लोग का व्रत चल रहा था, हर तारीख का व्रत था ये भादो महीना में, तो हम फास्टिंग में थे, सेनाएं मंत्री जी हमारे पक्ष में थे, जो साहेबपुर कमाल से पूर्व मंत्री हैं, अभी वो विधायक हैं बेचारे, थोड़ा अस्वस्थ हैं अभी, तो हमारे लिए फिर वो आवाज़ उठाते, हमको भी बहुत मानते हैं, वो हमारी सपोर्ट में एकदम तेघरा विधानसभा से अकेला उम्मीदवार में कारण कटने का नाम भेज दिए। कारण कटने के बाद नीतीश कुमार जी से लालू जी का गठबंधन था। ओ, नीतीश जी के खाते में। हाँ, और नीतीश जी भी अपना मैंने जो उनका सीट अपना जीता हुआ था वो भी लालू जी कहने पर दिए थे, गठबंधन का मामला था, ये भी मजबूरी। अच्छा, इस बार आपकी तैयारी कैसी है? इस बार हमारी बहुत बड़ी अच्छी तैयारी है, क्योंकि वीरेंद्र माथो पार्टी से दल से भाग गए और जदयू में शामिल हो गए, मेरा सीट बिल्कुल खाली है। अब वहाँ से अब अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप तेघड़ा के लिए क्या क्या काम करेंगी? तेघड़ा के लिए शर्त हम ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं। क्या क्या पांच काम ऐसा गिनाइए जी। देखिए वहाँ सबसे बड़ी काम है सर तेघड़ा के लिए, तो रोड एकदम सबसे बड़ी समस्या है तेघड़ा, सड़क की समस्या को दूर करेंगे। सड़क की समस्या इतनी बुरी है तेघड़ा के लिए जो हम क्या बताएं, सड़क की समस्या दूर करेंगे। चलिए दूसरा, सड़क की समस्या तो दूर करेंगे ही, शिक्षा तो नीतीश कुमार चौपट कर दिए, शिक्षा को बढ़ावा देंगे। हाँ, शिक्षा को बढ़ावा देंगे। दूसरा नंबर शिक्षा, दूसरा नंबर है जितने बहुत एकदम गरीब लाचार हैं उनके लिए हम ऐसी व्यवस्था सोचेंगे, रोजगार की जी, ऐसी व्यवस्था उनके लिए सोचेंगे कि उनके बाल बच्चा के कुछ भविष्य बन जाए। चलिए तीन हो गया, चौथा, और वहाँ लगभग पानी का भी विकट समस्या है, पानी का भी, नल जल योजना जो गया है वो सब बेकार है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं बिजली का भी समस्या वही हाल। महिला सुरक्षा पर? जी, महिला सुरक्षा पर सर एकदम है, एक महिला है, महिला होते नाते भरपूर सुरक्षा का प्रयास करेंगे हम। पार्टी से क्या श्वासन मिला है इस बार भी आपकी पक्की है? इस बार तो अभी एकदम बात हुई है तेजस्वी जी, जब हम मतलब मजबूर परेशान हो गए कि हम जाने हम तब तेजस्वी जी क्या बोले? तेजस्वी जी बोले कि सुधा जी आप हमारे क्षेत्र की तेघरा विधानसभा के ताकतवर कार्यकर्ता हैं, आप नाराज हो गई, आपका आवेदन आया तब हम देख करके उसी से मन बना लिए हैं कि आपका क्लियर कर चुके हैं, हम अनाउंसमेंट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि गठबंधन की सीट का भी हम। चलिए गठबंधन में कांग्रेस को चली गई इस बार, फिर तो क्या करेंगे? कांग्रेस के बरौनी में नहीं जाने का सर, मानिए चली गई तब। अब सर ये तो क्लियर कर चुके हैं कि आपके लिए क्लियर कर चुके हैं, अब इस आगे हम क्या कहेंगे सर? हर पिछले बार भी क्लियर कर दिया था जदयू को, चला गया लेकिन इस बार विश्वास है कि नहीं जाएगा? विश्वास है, नहीं जाएंगे। तेजस्वी जी जरूर हमारी भावनाओं को समझेंगे। चलिए तेजस्वी जी मेरी भावनाओं को समझेंगे, तेजस्वी जी हम जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करेंगे और हमें इस बार पूर्ण उम्मीद है कि तेघड़ा से प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। मौका मिलते ही तेघड़ा के विकास के लिए इतने काम करेंगे कि जनता देखेगी, तेघड़ा की जनता देखेगी और तेघड़ा की जनता की आवाज़ बनकर बिहार विधानसभा में गरजेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही हमारा नारा है। इसी नारे के साथ सिर्फ राजद और महागठबंधन को चुनाव जिताएंगे, ये कहना है श्रीमती सुधा देवी का। चलिए देखते रहिए, नमस्कार।